अपडेट दे रहे हैं आपको। बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी सरफराज और उसका साथी तालिब, इनको पुलिस ने पकड़ लिया है। ये बताया जा रहा है भागने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान एनकाउंटर में गोली लगी है। अस्पताल लेकर के दोनों को ले जाया जा रहा है। नेपाल भागने की फिराक में थे, चार दिन से जो कोशिशें हो रही थी इनको पकड़ने की थी, लगातार जो एसटीएफ की टीमें थी वो लगी हुई थी। कोशिशें यही थी कि जल्द से जल्द सरफराज को पकड़ा जाए, लेकिन सरफराज जब पुलिस के सामने आता है, पुलिस तो उस वक्त मुठभेड़ होती है और जख्मी हो गया है सरफराज और उसका साथी तालिब, जिसको अस्पताल लेकर के जाया गया है। लेकिन ये बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए है, क्योंकि आखिर कहां से, किसने, क्यों इस तरीके से बर्बरता की, क्या किसी ने कहा था? जिस तरीके से दुर्गा पूजा विसर्जन में मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे और उसी वक्त जैसे इन लोगों ने वहां पर प्रदर्शन और हंगामा करना शुरू किया और हंगामा हिंसा तक पहुंच गया, कौन है इसके पीछे, ये देखना है। की हालत नाजुक इस वक्त बताई जा रही है, आपको सीधे ग्राउंड पर ले चलते हैं। वैभव और राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े। वैभव, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या ये पता चला है कि सरफराज को गोली कहां पर लगी है, और ये भी अपडेट मिल रहा है इस वक्त कि उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है? देखिए बिल्कुल महिमा, सरफराज और तालिब ये दो लोग नेपाल भागने की फिराक में थे। हांडा बसेहड़ी नहर जो नेपाल की सीमा से तकरीबन 7 से 8 ही किलोमीटर दूर है, यानी कि ये दोनों आरोपी बहराइच में नेपालगंज के जो जिला है वहां पर जाने की पूरी तरह से फिराक में थे और प्लानिंग भी बिल्कुल तैयार थी। रिपब्लिक भारत कल से ही इस बात का जिक्र भी कर रहा था कि नेपालगंज का कनेक्शन सरफराज और तालिब का जो है ये तय है, वो लोग नेपाल में ही शरण लेंगे और अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आएंगे और नेपाल जो है वो कहीं ना कहीं से भाग सकते हैं। जिसके ठीक बाद आपको बता दें जो मुठभेड़ स्थल है हांडा बसेहड़ी नहर, वो नेपाल की सीमा से बहुत करीब है जहां पर मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद अब उन लोगों को नानपारा सीएससी जो है वो लेकर पुलिस टीम जो है वो जा रही है। स्थिति क्या कुछ है, कितनी क्रिटिकल है, इसको लेकर अभी बिल्कुल स्पष्ट कोई अपडेट नहीं है, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि सरफराज और तालिब जो नेपाल भागने की फिराक में थे, मुठभेड़ होती है। बिल्कुल, वापस लौटेंगे। मनीष शुक्ला बीजेपी नेता उस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मनीष जी, लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि मुख्य आरोपी आखिरकार कब पकड़े जाएंगे, ये बड़ी कामयाबी यूपी पुलिस के लिए भी है और ये भी माना जा रहा है कि पूछताछ करके कई और बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। देखिए, बहराइच में एक दुखद घटना में एक श्रद्धालु रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी, जिसमें नामजद कुछ आरोपी पकड़े गए थे, जो मुख्य आरोपी सरफराज और लोग के पुलिस ढूंढ रही थी, और आज नेपाल बॉर्डर के पास एनकाउंटर में वो लोग पकड़े गए हैं। और निश्चित रूप से बहराइच के लोग और रामगोपाल मिश्रा जी के परिजन ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो, जो भी न्याय पसंद लोग थे सबको ये उम्मीद थी कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। उत्तर प्रदेश पुलिस और एसटीएफ ने शानदार काम किया है और उनकी गिरफ्तारी की है एक एनकाउंटर में, और जो न्याय की आशा में मिश्रा जी का परिवार, रामगोपाल जी का परिवार था, आज उनको कम से कम जो प्रशासन और शासन जो न्याय दे सकता है, प्रशासन और शासन ने न्याय दिया है। इसके बाद अभियोजन पक्ष भी काम करेगा, इन लोग को दंड मिले इसके लिए भी सारे जो कार्रवाई होती है वो सरकार करेगी। बिल्कुल मनीष जी, जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार की ओर से ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है, परिवार की मांग भी ये थी कि मुख्य आरोपी को पकड़ा जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कितनी बर्बरता के साथ में रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी। सवाल ये भी कि क्या ये पहले से प्लान किया गया था, पूरी तैयारी यहाँ आरोपियों की तरफ से की गई थी, ये भी खुलासा होना बाकी है। साथ छा रहे हैं, उससे तो स्पष्ट लगता है कि उस घर में पहले से ही कुछ संख्या में लोग मौजूद थे, हथियार भी थे, और जिस तरीके से आप लोगों के कैमरों ने दिखाया कि छत पे बोतल शीशे की पड़ी हुई थी, तो उससे तो लगता है कि तैयारी में थे लोग और एक नरेटिव बनाना चाहते थे, एक भय का वातावरण बनाना चाहते थे। पहले 7.5 साल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव बना रहा, दंगे नहीं हुए, एक जो नरेटिव पूरे प्रदेश में जा रहा था, देश में जा रहा था कि भाजपा की सरकार में दंगे होना बंद हो गए हैं, उसको तोड़ने के लिए एक साजिश थी। बिल्कुल मनीष जी, ये साजिश किसने रची थी, वहां तक पहुंचना भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ वैभव है। वैभव, सबसे अहम यही है कि ये साजिश क्यों रची गई, किसके कहने पर रची गई और मंशा क्या थी, ये जानना जरूरी है। और सरफराज के जरिए क्या अभी पता लग पाएगा?
देखिए श्वेता, सबसे अहम ये है कि जैसा कि जिक्र भी लगातार किया जा रहा है कि एक साथ उनके घर के अंदर इतने लोग मौजूद कैसे थे, उनके हाथों में वेपन कैसे आए, उनके हाथों में हिंसा फैलाने की वो तमाम सामग्रियां कैसे उस घर में जो है वो असेंबल करके रखी गई थी, जो इस तरफ बिल्कुल साफ इशारा कर रहे हैं कि पहले से ही हिंसा भड़काने के जब शोभा यात्रा माँ दुर्गा की विसर्जन को लेकर वहां से गुजरने वाली थी, तब कैसे इस विसर्जन के दौरान वहां पर पथराव किया जाए, कैसे आगजनी की जाए और कैसे हिंसा भड़काई जाए, इसको लेकर पूरी तैयारी कहीं ना कहीं से पहले से ही तय थी, ये कहीं ना कहीं से इशारा करते हुए ये तमाम चीजें श्वेता नजर आ रही हैं। दूसरी सबसे अहम बात है क्योंकि जब रामगोपाल सरफराज उर्फ रिंकू की छत पर चढ़ता है, छत पर चढ़ने के तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद ही उसके ऊपर पहला 12 बोर से फायर किया जाता है, जिसके छर्रे जो है वो ब्रस्ट होकर उसके सीने और गले में पूरी तरह से लगते हैं। उसका भाई जब अपने भाई को बचाने के लिए जाता है, सरफराज की छत पर चढ़ता है और अपने रामगोपाल भाई को जब लेकर नीचे जीने से उतर रहा था, उस सकरे जीने पर भी लगातार सरफराज की तरफ से और जितने भी आरोपी हैं उनकी तरफ से पत्थरबाजी न सिर्फ की जा रही थी बल्कि उसके बावजूद भी वो लोग राइफल से निशाना लगाकर लगातार फायर करते हुए नजर आ रहे थे। यानी कि साजिश किस हद तक थी ये पूरे इस घटनाक्रम से समझा जा सकता है। अब सबसे अहम ये होगा कि जब यूपी पुलिस की तरफ से कोई प्रेस ब्रीफ की जाएगी, ये बताया जाएगा कि कैसे ये मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ होने के बाद पतियां सरफराज और तालिब को लेकर क्या कुछ है, उनका मतलब कितनी स्थिति उनकी जो है वो कंडीशन नाजुक है, इसको लेकर क्या कुछ ब्रीफ किया जाएगा, नेपाल बॉर्डर के पास हांडी बसेड़ा गांव में आखिर क्या कुछ हुआ, कैसे मुठभेड़ हुई, ये जब पूरा ब्रीफ होगा तब स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये तय था, परिवार जिस इंसाफ की मांग पिछले 4 दिनों से कर रहा था, महासी क्षेत्र के तमाम लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना था कि 55 अरेस्टिंग आप दिखा रहे हैं लेकिन अभी तक जो नामजद 6 आरोपी हैं उन 6 आरोपियों में से आपने किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की, क्योंकि पहली FIR जो सेम डे होती थी उसमें 10 लोगों के खिलाफ नामजद FIR की जाती है, 6 नामजद थे, 4 लोग अज्ञात थे। अब ऐसे में सरफराज हों, तालिब हों और जो साहिर आज गिरफ्तार किया गया है, जेल भेजा गया है, इन तमाम लोगों को लेकर बड़े प्रश्न चिन्ह थे। लेकिन अब जब सरफराज और तालिब एनकाउंटर में घायल हुए हैं तो उसके बाद इन सवालों पर ये तय है श्वेता कि डीजीपी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े विक्रम सिंह जी, अभी ये बड़ी खबर मिल रही है कि जो मुख्य आरोपी है बहराई छिंसा का, उसको गोली लगी है, अभी उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन बार बार इस तरह के मामले सामने आते हैं और बार बार ऐसे एनकाउंटर्स भी होते हैं, इन पर भी सवाल खड़े होते हैं, आप इसको लेकर क्या कहेंगे, आप पास कोई जानकारी? नमस्कार, मैं पुलिस को बधाई दूंगा कि उसने नामित अपराधी को कानून की परिधि के अंदर वांछित माकूल कार्रवाई की। ऐसा कोई इनकाउंटर नहीं जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह न उठाए गए हैं और इसकी भी, लेकिन ध्यान रहे ये दिन दिहाड़े इनकाउंटर हुआ कि रात के अंधेरे में नहीं हुआ, ये सबके सामने है और बहुत सबके सामने हुआ है, तो दिन दहाड़े इनकाउंटर अपनी बातें होती है और उसके मद्देनजर इनकाउंटर के मैजिस्ट्रियल जांच होती है, विवेचना होती है और जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू वो गुजरता है, तो से शक न करें, अगर कोई बात आती है वो उसको हम पाते हैं ड्यूरिंग द इनकाउंटर। लेकिन अभी सरफराज इलाज के दौरान अपना बयान देगा और जब बयान दिया जाएगा वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। मैं यूपी पुलिस को